व्हाट्स अप गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉकलिफ्ट लाइसेंस की। तो आपको सारा प्रोसेस बताने वाले हैं, कहाँ से आपका लाइसेंस बनेगा, कैसे बनेगा और आपको जॉब्स वगैरह क्या मिल सकती हैं फॉकलिफ्ट लाइसेंस बनने के बाद। तो सबसे पहले बात है, आपको कहाँ से बनवाना चाहिए। तो अगर आपको किसी को फॉकलिफ्ट के बारे में नहीं पता वो क्या होते हैं, साइड पर आपको एक फोटो दिख जाएगी, आप वो देख लो। आपको फॉकलिफ्ट का लाइसेंस निखिल ने, बेसिकली निखिल ने अपना रिसेंटली लाइसेंस बनवाया फॉकलिफ्ट का, बिकॉज उसने अभी अभी अपना एचआर का लाइसेंस भी बनवाया है। तो जिसके पास भी एचआर का लाइसेंस होता है तो ही नीड्स द फॉकलिफ्ट लाइसेंस, बिकॉज एचआर जो ट्रक होते हैं उसके अंदर फॉकलिफ्ट के साथ ही जो सामान होता है वो लोड होता है। तो हम लोग बात करते हैं फॉकलिफ्ट की, फिर किसी दिन एचआर की भी बात करेंगे। तो फॉकलिफ्ट का लाइसेंस उसने बनवाया, फॉकलिफ्ट लाइसेंस सेंटर मेडिंगटन में है वहाँ से। तो बेसिकली आपको 2 डेज, पूरा 2 दिन की आपको ट्रेनिंग, एग्ज़ाम वगैरह सारा कुछ आपका 2 दिन में होता है। तो फर्स्ट डे आपका बेसिकली नथिंग, आपको फॉकलिफ्ट के A to Z पार्ट्स वगैरह के बारे में सारा कुछ बताया जाता है कि ये होती क्या कैसे। तो फॉकलिफ्ट बेसिकली बहुत तरह की होती है, पावर फॉकलिफ्ट बेसिकली, जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन वाली भी होती है एक, तो ज़्यादा डीप नहीं जाती इसके अंदर। तो बेसिकली वो उनके पास थी इलेक्ट्रॉनिक, निकले इलेक्ट्रॉनिक सीखी है, और वो बोलते भी हैं कि जो कंटेनर्स में सामान लोड आता है जो फॉकलिफ्ट के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक के साथ ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो पेट्रोल वगैरह होती है, जो गैसेस वगैरह होती है, तो बंदा बीमार हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले ही सिखाते हैं वो, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस से सीख जाओगे बाकी सारी, कोई आई डोंट नो बाकी क्या सिस्टम होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रोसेस। तो वो फर्स्ट डे आपको सारा कुछ सिखाएंगे, बताएंगे सारा कुछ, एंड आपको रीडिंग मटेरियल देंगे, बिकॉज आपके 2 एग्ज़ाम रहेंगे, एक आपका प्रैक्टिकल जो आपको फॉकलिफ्ट चला के दिखानी है, एंड सेकेंड आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आप जहाँ से फॉकलिफ्ट का लाइसेंस बनवा रहे हो वो ही आपका टेस्ट लेंगे, एंड वो ही अप्रूव करके DOT में भेजेंगे। सो बेसिकली आपको इस लाइसेंस के लिए कुछ खास मत्था मारने की जरूरत है नहीं, आप अपना एक आपकी सिर्फ पासपोर्ट लगना है आपका, कोई भी ID लगेगी, अगर आपका ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है तो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, इफ़ यू हैव योर पासपोर्ट तो पासपोर्ट लेके चले जाना, बस और कुछ नहीं। बाकी फॉर्म्स वगैरह वो वहीं पर फिल आउट करवा लेते हैं। तो जब आप सर्च करो फॉकलिफ्ट लाइसेंस सेंटर मेडिंगटन वाले से कॉल कर लेना, बिकॉज आपको सिर्फ वहाँ पर पेमेंट करनी है, तो वो आपका लाइसेंस भी खुद ही अप्लाई कर देंगे, आपका सिर्फ घर पे आ जाएगा लाइसेंस, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो दैट्स अ बेनिफिट पॉइंट अगर आप वहाँ से कर रहे हो तो। एंड हया फर्स्ट डे आपको सारा पढ़ाएंगे, तो सेकेंड डे जो आपका टेस्ट होगा, पहले आपको सुबह 8 से 12 कुछ 4 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, वो आपको जो नोट्स मिले हैं उसमें से पढ़ाया जाएगा सारा कुछ, एंड उसके बाद आपका 61 क्वेश्चंस का टेस्ट रहेगा, तो वो सारे रिटन रहेंगे, ये 61 का। तो इतनी टेंशन मत लेना, जितने आते होंगे एक बार कर लेना, अगर आपको नहीं आ रहा बाई चांस, अगर कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आया, कुछ याद नहीं आ रहा, तो उनको बोलना, वो आपको रीडिंग मटेरियल दोबारा दे देते हैं थोड़ी देर पढ़ने के लिए, वो उसे पढ़ लेना और फिर दोबारा अपना टेस्ट कंटिन्यू कर लेना। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर टेस्ट पूरा करना है, नो लिमिट। बस आप बीच में आपको आपका प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए बुलाएंगे, वो देने के बाद अपना दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप सेकेंड डे पर टेस्ट अपना कंप्लीट कर देते हो तो आपका सेकेंड डे को ही आपका बेसिकली जो परमिट होता है फॉकलिफ्ट चलाने का वो मिल जाएगा, पेपर परमिट। आपका लाइसेंस थोड़े दिनों बाद ही आएगा वो तो DOT में, तो आपको परमिट मिल जाता है कि आप चला सकते हो। तो ये सिर्फ टोटल 2 दिनों का प्रोसेस है, एंड आप लोग अब सोच रहे हो मेन बात जो कि है पेमेंट, पेमेंट कितनी आपको करनी पड़ती है फॉकलिफ्ट के लाइसेंस के लिए इन टोटल। तो निखिल करके आया था $415 इन टोटल सारा कुछ, 2 दिन की पेमेंट एंड इंक्लूडिंग लाइसेंस बनवाने का बीच में सारा कुछ है, उन्होंने एक ही बार में पेमेंट लिया, एंड वो भी लिए सेकेंड डे सबसे एंड में जब सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद पेमेंट ली थी उन्होंने। एंड या
अब बात करते हैं जॉब्स की। अगर आपके पास फॉकलिफ्ट का लाइसेंस है तो आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या पे रेट है। सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास फॉकलिफ्ट लाइसेंस है तो आप वेयर हाउसेस या ऐसी जगह पर कुरियर कंपनीज वगैरह में इजीली जॉब मिल सकती है आपको। एंड इसका पे रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसका डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, बट बेसिकली 30 मिनिमम पे रहती है इसकी मोस्टली, एंड 40 तक भी चली जाती है डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी और उनको क्या कितनी ज़रूरत है। एकदम से बंदे को जरूरत तो 40 पर भी देने को तैयार हो जाता है बिगनर्स को। बट विद आपको एक्सपीरियंस, जैसे भी एक्सपीरियंस होएगा तो वो आपका इंक्रीमेंट होती है, हर एक फील्ड में इंक्रीमेंट होती है, बट आपका हो जाएगा जो भी है। तो यही है, मतलब आप इंडीड पर सर्च कर लेना, बहुत जॉब्स अवेलेबल है। सीक पर अप्लाई कर देना। जब भी आप अपना लाइसेंस बनवा लो तो बेसिकली इंडियन इन पर्स करके एक फेसबुक पेज है, वहाँ पर अप्लाई पोस्ट डाल देना कि मेरे पास ऐसे ऐसे करके फोकलिफ्ट लाइसेंस है। अगर किसी के पास जॉब है, किसी के पास कोई कॉन्टैक्ट है, किसी को जॉब, मतलब किसी को ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको फोकलिफ्ट का लाइसेंस हो, जिसके पास चलानी आती हो, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर लें। लाइक जॉब ढूंढना इज ऑन यू। एक बार लाइसेंस वगैरह बनवा लो एक दो, जब आप आते हो इंडिया से, बिकॉज जब आपके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग कुछ होता है तो पे रेट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, एज़ कम्पेयर कि आप आते ही बस पे भी आपको होता है कि आप कुछ दिनों में ही जॉब पे लगो। बट जब आप आते हो तो आपके पास 10 दिन होते हैं, 10 दिन आप कुछ नहीं करते। हमने भी कुछ नहीं करा था, हमने हमारी जॉब शुरू ही नहीं होती बिकॉज आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता, बैंक कार्ड नहीं आता, टैक्स फाइल नंबर, बहुत कुछ होता है। तो आप वो अपने 10 दिन पहले, अगर आपकी क्लासेस नहीं हैं, अगर आप डिपेंडेंट हो एंड आपकी क्लासेस नहीं है, आपको कुछ नहीं करना 10 दिन में, वो तो ट्राई करो कि अपने लाइसेंसिंग वगैरह बनवा लो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 11th ईयर जॉब मिल ही जाती है, बट एटलीस्ट 10 डेज आई डोंट थिंक कोई भी काम करता है, कोई भी बंदा अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। दैट्स अ मिनिमम थिंग। मैक्सिमम यहाँ, मतलब यहाँ तो पता नहीं, मतलब बहुत कंट्रीज में है 3-3 महीने बच्चे कोई जॉब ही नहीं करते। यहाँ भी कई मैंने मिले हैं, वो 1-1 महीना नहीं करते। एक्चुअली दैट जस्ट आई फील लाइक कि वो अपना बेस्ट नहीं देते जॉब ढूंढने को। बाकी कहीं अपनी अपनी किस्मत पर भी बेसिकली यार, बहुत कुछ, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडिंग होते हैं आपके एक जॉब लगने में। एंड अगर आपके पास कोई कार भी है और आप कोई वेयर हाउस की अच्छी जॉब मिल रही है तो आप जा सकते हो, कर टाइमिंग की एडजस्टमेंट हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको बीच में देखते हैं। अगर आप बस, अब बस से आप जाते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट फिनिश वाली जॉब्स नहीं कर सकते, तो वो आप देख लेना अपना कैसे करना है। अदरवाइज जॉब आपको मिल जाएगी, आपका फोकलिफ्ट का लाइसेंस इजीली। बॉयज़, आई रिकमेंड बॉयज़ और गर्ल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट की बनवाना है, तो ये सभी प्रोसेस है। तो ऑल द बेस्ट टू यू जो भी अप्लाई कर रहे हैं और जो भी ट्राई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए। आई होप आपका वीज़ा जल्दी आ जाए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कुछ भी तो लाइक वगैरह कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।